જન્મ પહેલા મને એવું કહેતો હતો કે મમ્મી તું આ બધું ના ખા. પછી એનો જન્મ થયો મે મહિનામાં બરોબર, અને એ વખતે એપ્રિલમાં માર્ચમાં કેરી આવવાનું ચાલુ કરી, અને પછી મેં જે છેલ્લે કેરી ખાવાનું ચાલુ કરી ને રીટી બંધ, અને બાકી સાથે સાત મહિના બંધ થઈ ગઈ. એટલે મને અત્યારે એ વસ્તુની ખબર પડી કે મારે ખરેખર આ નથી ખાવાનું, આ ખાવાનું છે. જે જન્મથી અંદર બેઠો બેઠો આ એનડીએસ તો મારા પહેલા કરી રહ્યો છે. જન્મે પહેલા કે મમ્મી તું આ ના ખા ને આ ખા તો ઊભી નહીં થાય, પણ આપણે તો મૂર્ખ કે બસ આ જ ખાઓ આ જ ખાઓ આ જ ખાઓ. એમાં ને એમાં કેટલી બધી ઉલટીઓ થઈ રાખતી હતી કે આપણે આંતરડા બહાર આવી જાય, એટલું મોટું પેટ હોય અને આપણે વોમિટ થઈ રાખે, એટલે પાસે ડોક્ટર પાસે જઈએ એટલે પેલી ટેબ્લેટ લખી આપી અને ગોળીઓ લખી આપી તો ઉલટી ના થાય તમને. એટલે મેં તો એનડીએસ હમણાંથી ચાલુ કર્યું, પણ આ જે મારો દીકરો છે ને, તમે પૂછ્યું કે છોકરાઓ કેવી રીતે એક્સેપ્ટ કરું, જન્મ પહેલા એને એક્સેપ્ટ કર્યું તો મમ્મી તો આ ના ખાય. પછી મારું ફીડિંગ બંધ કરાવ્યું, જયારે મેં એનું ફીડિંગ બંધ કરાવ્યું ત્યારે એનું વજન 5 કિલો 6 કિલો. મારું જયારે ખોડામ હતું એકદમ હેલ્ધી, ઉંચકાઈ નહીં એટલો હેલ્ધી. મારું જેવું દૂધ બંધ થયું ને એનું ધીમે ધીમે બોડી ઉતરવાનું ચાલુ થયું, અને આ જે સ્લિમ બોડી છે ને પકડીએ પકડી. પછી મેં એને ખવડાવવા માટે એટલા પ્રયત્નો કર્યા, જાત જાતના ડોક્ટર બતાવ્યા, જાત જાતની એને સિરપ પીવડાવીને ભૂખ લાગે એનું કેટલું બધું પ્રયોગો કર્યા. અમદાવાદના ચાઇલ્ડ સ્પેશિયલિસ્ટ કોઈ બાકી ના રાખ્યા, બધાને પાસે બતાવી દીધું કે આ છોકરો કેમ કરી ખાય, પણ એને ખાવાનું ના બતાવ્યું. પાંચ દિન એ શિબિર તો કલથી શરૂ હુઈ હૈ, વૈસે તો આ દૂસરા દિન હૈ, લેકિન કલ ઇન્ટ્રોડક્શન મેં ગયા તો એસા કહે સકતે હૈ કે શિબિર આજ સે શરૂ હોતી હૈ. उम्र कितनी लगती है, क्या अंदाजा है आपका? 45. बच्चे देख के नहीं बताने का, सिर्फ मुझे देख के बताओ. ये सब ईश्वर की कृपा है. सबसे पहले तो हमारे गुरु जी को मैं प्रणाम करती हूँ, और ये शिविर रखी जो धरती बहन तो उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ. और आप सभी लोग यहाँ पे अपना समय लेके आए हो कुछ सीखने के लिए, तो आप सबका भी खूब खूब धन्यवाद कि आप समय निकाल के अपने लिए आए हो. जी, मैं डॉक्टर झरना पटेल हूँ और नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ. अहमदाबाद में नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, और जहाँ पे मैं शाम को 4 बजे से 6 बजे निःशुल्क में सेवा देती हूँ. जो भी साधक आते हैं वो सबको बताती हूँ कि ये सिस्टम क्या है. सैटरडे संडे क्लोज रहता है, क्योंकि मुझे ऐसे कहीं पे भी जाना हो तो सैटरडे संडे बंद रखते हैं. बाकी जैसे जलाराम बापा का सदा व्रत चलता है, वैसे मेरा सदा व्रत चलता है, और ईश्वर की कृपा होगी तो जब तक जिंदा रहूँगी तब तक चालू रखूँगी. और इसके पीछे मैं मेरी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर मोड़ पे मुझे साथ देते हैं. उसमें सबसे पहले मेरे हस्बैंड है गजेंद्र जी, तो ये जो है वो मुझसे भी महान है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो अकेले मैं अगर कर पाऊँ, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, सबका साथ होना जरूरी है.
तो ये बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। और दूसरा जो मेरा बेटा है, बेटी है, वो भी इतने सपोर्ट करते हैं कि कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि खाना याद आ गया, मम्मी दाल चावल बना दे, या तू तो खाना नहीं बनाती है, तू तो कैसी माँ है कि ऐसा घास फूस दे देती है। तो अभी ये यहाँ पे जब भी मेरी मीटिंग यहाँ पे ये सेमिनार चालू हुआ, इसके पहले मैं सर के साथ थोड़ी देर बैठी थी, तभी मैंने बताया कि बच्चे जो है वो ईश्वर की कृपा से उनका जन्म हुआ, उसके पहले से NDS फॉलोवर है। मुझे तो अभी अभी 6 साल से पता चला, लेकिन ये जो बच्चे हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं। और वो जन्म से मुझे बोलते थे कि मम्मी दूध नहीं पीना है, रोटी नहीं खानी है, दाल चावल नहीं खाना है, खिचड़ी नहीं खानी है। मैं जब भी कुछ भी पकाती तो वो लोग ना ही बोलते थे कि नहीं खाना है। कैसे कैसे करके मैंने कितनी दवाइयाँ का उपयोग कर करके उनको खिलाया, जबरदस्ती से पकड़ पकड़ के, थोड़े से मार के भी। जैसे सर भी बोलते हैं कि माँ को ही पता नहीं होता है, तो उस वक्त मुझे ही पता नहीं था कि सही भोजन क्या होता है। तो जब भी मुझे ये सिस्टम के बारे में पता चला, 6 साल पहले की बात है, कि जब मुझे पता चला कि खाना पकाना नहीं है और पेट भर के खाना है, और इसके साथ साथ में फायदा ये है कि दवाई नहीं होगी पूरी जिंदगी में। तो मैं पहले मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ में हम रहते थे, और फिर हमने जब नया मकान लिया, घर में मंदिर की स्थापना की, भगवान की मूर्ति रखी, तो उस दिन से 15 साल तक मैंने भगवान को एक ही प्रार्थना की थी कि भगवान ऐसी जिंदगी देना, कम कमाएंगे तो चलेगा, लेकिन ऐसी जिंदगी देना कि हमारा जो सैलरी है पूरे महीने का, पसीने की जो कमाई है, उसमें से 1 रुपया भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे मैंने 15 साल भगवान को प्रार्थना की थी, तभी मुझे ये परमात्मा मिल गए कि इन्होंने मुझे सही रास्ता बता दिया। कि फिर ये जो पता चलने के बाद इतना इजी लग रहा है, क्योंकि मुझे जितने लोग मिलते हैं तो सारे ये बोलते हैं कि ये बहुत हार्ड है, कैसे करेंगे। तो मुझे तो पहले दिन से इतना इजी लगा था कि कितना मजा आ गया खाना नहीं पकाने का। तो सबने सपोर्ट कर दिया कि भाई तू जो खिलाएगी, तो पहले ही दिन जूस बना दिया, पहले ही दिन 8 घंटे का एनर्जी लग सब। मैं सबको ऐसे समझाती हूँ, अभी मेरा जो भी मेरे यहाँ पे जो साधक आते हैं, तो मैं सबको ऐसा बताती हूँ कि पहले दिन 2 घंटे का करो, फिर नेक्स्ट वीक 4 घंटे का करो, फिर नेक्स्ट वीक 6 घंटे का करो, फिर नेक्स्ट वीक 8 घंटे का करो। लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे अंदर से इतनी भगवान ने शक्ति दे दी कि जो दिन मैंने सेमिनार अटेंड किया, उसी दिन मैंने 8 घंटे का निर्जला किया। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी 8 घंटे का निर्जला किया। तो पहले ही दिन से मुझे कभी ऐसा हो ही नहीं, कभी ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि उठने के बाद पानी नहीं पीना है, चाय नहीं पीनी है, नाश्ता नहीं करना है, लंच नहीं करना है। और ग्रीन जूस तो मैंने सुना भी नहीं था, कभी भी मुझे पता नहीं था कि ग्रीन जूस दुनिया में क्या होता है। हमें तो जनन से ये सिखाया गया था कि उठो तो चाय बनाओ और दूध पी लो, बस इतना। और हम जो है वो भेड़िए की तरह होते हैं कि एक चला तो दूसरा चला, तीसरा चला, वैसे सब चलते रहते हैं। तो मेरी मम्मी के यहाँ से भी ऐसे संस्कार थे कि उठो तो खाना बनाओ, खाओ, रात को भी खाओ, सो जाओ। और जब भी ससुराल गए तभी भी वहां पे भी वही संस्कार थे कि भाई उठो तो खाना बनाओ और चाय बनाओ और दूध बनाओ। तो इसमें मैंने कुछ अपनी तरह से कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि भी ये सारा पकाया हुआ बंद कर देना है। तो मुझे पता नहीं क्यों कि भगवान की ऐसी कृपा होगी मेरे से पहले से कि मेरे सामने अगर 2 चॉइस हो कि एक थाली में रोटी सब्जी रखी हो और एक थाली में बहुत सारे बनाना रखे हो, तो मैं सबसे पहले बनाना के ऊपर ही टूट पड़ोगी। तो पहले से सिर्फ बनाना नहीं, भगवान ने बनाए हैं वो ऑल फ्रूट, जो मुझे ऐसी भगवान से मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि पूरे विश्व में जितने फ्रूट्स उगे हैं वो सब मुझे खाने मिले, और नहीं खाने मिले तो मैं केले से भी संतुष्ट हूँ।
मैं अभी इतने मन मक्कम से जी रही हूँ कि पूरे साल 365 डे सिर्फ मुझे टमाटर मिलेंगे सुबह शाम दोपहर रात तो भी मैं अपना गुजारा कर सकूंगी। इतना मन से मैं मजबूत हो गई हूँ ये इतने 6 साल में, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें कोई बुरा मत लगाना, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ कि जो भी होते हैं वो कार बिगड़ने के बाद गैरेज में गाड़ी जाती है, तो मैं पहले से ऐसा सोचती थी कि मेरी कार बिगड़नी ही नहीं चाहिए, कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं और मैं ऐसे कैसे जीऊं कि कभी मुझे दवाई नहीं खानी पड़े, क्योंकि मेरी ये 40+ की एज के जितने भी लेडीज जब भी हमारा फ्लैट है और फ्लैट के नीचे पार्किंग है, पार्किंग में एक ऐसा जैसे वो क्लब हाउस जैसा है कि जहाँ पे पूरे दिन की बातें करने के लिए नीचे सब लेडीज इकट्ठी होती है, तो 6-7 लेडीज 10-15 लेडीज सब इकट्ठे होते हैं, तो जब भी इकट्ठे होते हैं तो सब दुख दर्द की बात करते हैं। इतना गुस्सा आ गया आज, इतना रोना आ गया आज, तो भूख नहीं लगी है, या फिर आज किसी ने मुझे ये कह दिया तो मगज में से बात निकलती नहीं है। फिर जो लेडीज जो बात करती है तो वो लोग ऐसी भी बात करते हैं कि पीरियड्स का प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी बेटी जो है वो मेरी, मैं जस्ट बात कर रही हूँ मेरी बेटी की नहीं, सभी जो लेडीज बात करती हैं कि भाई मेरी लेडी मेरी बेटी है वो 15 साल की है तो उसको अभी पीरियड नहीं आए हैं, तो कोई बोलती है मेरी बेटी 18 साल की है तो उसको इनरेगुलर आ रहे हैं, या फिर कोई लेडीज है तो वो बोलती है कि मैं 40 साल की हूँ तो मुझे अभी मेनोपॉज आ गया है, कोई 45 साल के है तो वो बोलती है कि मुझे रोना आ रहा है। तो मैं इतनी डर गई थी अंदर से कि ये तो रेड लाइट है, सभी को बीमारी आती है, सभी को बीपी आता है, सभी को कोलेस्ट्रॉल आता है, सभी को मोटापा आता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पे दवाई नहीं हो। ऐसा भी डर लगता था कि हमारे बैंक बैलेंस में 5 लाख रुपए है, उसमें सिर्फ एक बार किसी को मुझे अटैक आ जाए या हमारे ससुर को या घर में कोई भी इंसान को, हमारे जो घर में रहते हैं हम सारे, तो किसी को भी अगर एक रात को अटैक आ गया तो तुरंत अहमदाबाद के सबसे बड़े जो भी हॉस्पिटल है उसमें जाके एडमिट होना पड़ता है, और फिर वहां पे जाके वो डॉक्टर जितने लाख बोलते हैं कम से कम बाईपास के 3 लाख बोलते हैं, तो 3 लाख देने पड़ते हैं, फिर मुझे डेड बॉडी मिले या पूरी अच्छी तरह से वो लोग रिपेयर करके दे वो भी पता नहीं है, लेकिन 3 लाख का खर्चा एक ही दिन में, जो 3 लाख कमाने में 3 साल नहीं तो 10 साल लग जाते हैं, तो पैसे का भी इतना महत्व होता है, हर किसी के इंसान के इतने सारे पैसे नहीं होते हैं। वैसे हम भी मिडिल क्लास के लोग हैं कि इतने करोड़पति नहीं है कि भाई चलो 3 लाख दे दिए चलो हार्ट अच्छा हो गया, लेकिन मेरी सोच ऐसी थी कि कभी भी मेरे घर में जितने लोग हैं उसको कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, तो मैं जो हूँ वो गृहिणी हूँ, मैं टिफिन में अगर इनको बग बात दूंगी तो वो खाएंगे और मैं एप्पल दूंगी तो वो खाएंगे, तो पहले सबसे पहले मुझे अपने आप को चेंज करना होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि पहले दिन से सबने अडॉप्ट कर लिया, और ये जब भी मैंने, जैसे आप लोग शिविर भरते हो वैसे मैंने अहमदाबाद में सिर्फ 30 मिनट की शिविर अटेंड की थी, और उसमें सिर्फ मुझे 2 बात मैंने ग्रास्प कर ली, 30 मिनट की शिविर में 2 बात मैंने मगज में फिट कर ली कि पहला जो है वो फूड चेंज करो और दूसरा जो है वो गलत है वो निकालना है, बस ये 2 बात, बाकी 30 मिनट में मैंने क्या सुना वो मुझे पता नहीं है। घर पे आई, वहां पे शिविर में से सबसे पहले मैंने कुछ नहीं लिया, एनिमा पॉट लिया और घर पे जाके ये इम्प्लीमेंट किया और इतना चमत्कार लगा। पहले से मेरी सोच ऐसी थी कि जब भी लेडीज 18 साल की होती है तो 18 साल की या 25 साल की 20 साल की जब उसकी शादी होती है तो उसकी फिगर कैसी परफेक्ट होती है, आप सब लेडीज हो तो भी आपको पता होगा, जो जेंट्स है उनकी 5 की फिगर वो देखी होगी, तो मुझे पहले से फिगर कॉन्शियस थी कि मेरी जो फिगर है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2-2 डिलीवरी होने के बाद मेरा वजन 80 केजी हो जाए, 70 केजी हो जाए, 60 केजी हो जाए
यहाँ से चर्बी बाहर, यहाँ से चर्बी बाहर, यहाँ से चर्बी बाहर, ऐसा फिगर मुझे जन्म से पसंद नहीं था। और ये जो सिस्टम है उसमें तो फैट होता ही नहीं है, तो मुझे बहुत मजा आ गई कि भाई चलो खाना पीना जो पसंद था, जन्म से जो पसंद था वो खाना भी मिल रहा है, जैसे फिगर चाहिए वो मिल रही है, प्लस इसमें कोई दवाई का खर्चा नहीं है, इसमें और कुछ करना नहीं है, मुझे रसोई पकानी नहीं है, तो बहुत अच्छा मुझे ये सिस्टम में मैं जुड़ गई। जैसे जैसे जुड़ गई, वैसे कभी पता भी नहीं होता है कि हमारे शरीर में कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि बीपी आता है तो पता चलता है कि भाई बीपी आया, तो मुझे ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं था। ये सिस्टम, न्यू डाइट सिस्टम में जितने भी प्रचारक होते हैं या जितने भी साधक होते हैं, वो सभी लोग जानने के लिए आते हैं कि मैं बीपी कैसे ठीक करूँ, मैं मोटापा कैसे ठीक करूँ, मैं डायबिटीज कैसे क्योर करूँ। यहाँ पे जब आते हैं तो सबसे पहले लिखवाते हैं कि भाई आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ईश्वर की कृपा से मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं था। वो टचवुड भगवान की देन है कि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी मैं ये सिस्टम से जुड़ गई। और जिस दिन मैं सिस्टम से जुड़ गई, वो दिन पहला दिन और आज का दिन, आज तक मुझे ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे खाना नहीं मिला या फिर मुझे ये सब छोड़ना पड़ा या फिर ये कब तक करना है या क्यों करना है, तो ये सब मजे कर रहे हैं। तो गुरु जी का एक बहुत अच्छा सेंटेंस मुझे पसंद है कि साहब हर वक्त बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो मेरा वजन उस वक्त 62 केजी था और जब ये मैं सिस्टम में आ गई तभी मेरा वजन 40 केजी हो गया। तो आप सोचिए कि 62 में मुझे जिसने देखा होगा तो वो अभी सीधे 6 महीने के बाद देखेंगे तो मेरा वजन 40 केजी, हड्डियों के अलावा कुछ नहीं दिखता था। तो कई कई लोग बहुत प्यार से पूछते थे कि बेटा क्या कुछ हुआ है। खुद मेरे ससुर की बात करो कि वो हमें एक शादी में मिले, वैसे मेरे पास नहीं रहते हैं तो कहीं पे भी शादी में जाना है तो वो भी वहाँ पे शादी में आए और हम भी वहाँ पे शादी में गए, तो उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को 6 महीने के बाद देखा। तो उन्होंने वहां पे शादी में खाया भी नहीं और वो इतने चिंता में पड़ गए कि ये दोनों को कुछ ऐसी तकलीफ है जो हमें बता नहीं सकते और ये अंदर ही अंदर कुछ टूट गए हैं। दूसरे ही दिन वो हमारे घर पे आ गए सुबह 10 बजे। मैं उनको देख के हैरान हो गई कि कभी फोन पे बात करके आते हैं या तो फिर कह के आते हैं कि हम आने वाले हैं, तो डायरेक्टली सुबह में 10 बजे इनको ऑफिस जाना था। दरवाजा खोला तो मेरे ससुर जी, तो उन्होंने आए और घर पे आके मुझे, मैंने उनको पूछा कि कुछ सब कुछ सही सलामत है, कुछ इमरजेंसी हो गई, आप बिना कहे कुछ आ गए, वैसे तो उनका घर है कभी भी रात को भी आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ पैसे की तकलीफ हो तो मैं पैसे दे के जाऊं या फिर आप दोनों में कुछ झगड़ा हो गया हो तो सॉल्व करके जाओ, कुछ बीमारी हो तो अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं, किस बात की तकलीफ है आप दोनों में, सिर्फ हड्डियां दिख रही है, जान नहीं दिखती है। तो हमने उनको शांति से बिठाया, 2 ग्लास जूस पिलाया और उनको बताया कि भाई ये सिस्टम से हम जुड़ गए हैं और ये सिस्टम, तो वो 85 ईयर्स के हैं तो एक्सेप्ट करते नहीं है, खाना पकता नहीं है, घर में गेहूं नहीं है, गेस्ट के लिए भी नहीं रखते हैं, क्योंकि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, जायदाद की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। तो मेहमान कौन आएंगे हमारे घर पे, जो हमें हमारे है वो मेहमान है। तो मैं अगर रोटी नहीं खाऊंगी उनको कैसे खिलाऊंगी, तो मैंने रोटी उनको नहीं खिलाई। 30 दिन मेरे घर पे रहे, वो जब भी आते हैं तो 30 दिन मेरे घर पे रहते हैं। तो 30 दिन में मैंने सबसे पहले दिन उनको बोला कि पापा आपको क्या क्या तकलीफ है वो मैं सॉल्व करके देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं एक चीज बोलूंगी तो तुझे पता नहीं चलेगा, कागज पेन लेके आ। मेरा बेटा तुरंत कागज पेन लेके आया, उन्होंने सबसे पहले लिखा कि 25-30 साल से मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, फिर अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, आंखों में
पूरे वक्त खुजली आती रहती है, कभी भूख नहीं लगती है, कभी नींद नहीं आती है, जन्म से कब्ज का प्रॉब्लम है। तो ऐसा करके पूरा लिस्ट दिया मुझे। तो मैंने कहा कि अभी 30 दिन मैंने आपका कहा इतने सालों तक माना है, अभी आप मेरा कहा सिर्फ 30 दिन मानो। तो जैसे आप यहाँ पे आए हो तो आपके पास कुछ है नहीं, जो भी धरती पे बनाएंगे, जो भी मुकेश भाई बोले बताएंगे वही आप खाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। 30 दिन तक सुबह में जूस, दोपहर में फ्रूट, शाम को भी जूस, शाम को सलाद। उनके 85 साल है तो दांत भी नहीं है। तो मैंने सब मिक्सचर में क्रश करके, कद्दूकस करके, जूस करके, पल्प करके सब कुछ खिलाया, फूल एनिमा करवाया। खड़े होके मैंने बाथरूम में जा जाके उनको पकड़ पकड़ के एनिमा करवाया। तो उनको भी लगा कि ये जादुई चीज कहाँ से ये लेके आ गई, ये जड़ी बूटी, ये संजीवनी चीज ये कहाँ से लेके आ गई। तो वो उन्होंने दोनों ने चालू किया और सुबह में एनिमा करवाया, शाम को एनिमा करवाया, दोपहर को करवाया एनिमा। फिर 30 दिन पूरे हो गए। 30वें दिन मैंने उनका इंटरव्यू लिया कि रोटी सब्जी दाल चावल बना के फिर खिला के आपको भेजूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तेरा जूस ही बहुत अच्छा है। तो 30 दिन में जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया, पूछा कि बीपी है, तो बोले 30 दिन से गोली नहीं ली है। मुझे तो पता भी नहीं था, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस से गोली भी छोड़ दी थी। फिर एनिमा से पेट जो है वो हल्का हो गया था। पहले ऐसे पड़े रहते थे, बैठे रहते थे, कोई स्कूल की नहीं, कोई जान नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। तो अभी दौड़ भाग करने लगे, बिल्कुल हेल्दी हो गए, कोई दवाई नहीं, बिल्कुल आंखों में खुजली नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे करके उनको मैंने प्रैक्टिकली करके बताया। अगर मैं ऐसा बोलते थे कि मैं खाना नहीं पकाती तो बोलते दूसरी बहू ले आते हैं बेटे को भूखे मारा के क्या। तो मैंने कहा कि देखो हम कैसा खाते हैं, कितना अच्छा खाते हैं, 4 टाइम खाते हैं। वैसे तो पहले 2 टाइम खाते थे, दोपहर में खाया, शाम को खाया, अभी तो दिन में 4 टाइम खाते हैं और वो भी ईश्वर का बनाया हुआ खाते हैं। तो तभी उनको ऐसा लगा कि भाई हाँ चलो ये जो भी सिस्टम कर रही है वो बराबर कर रही है, तभी उन्होंने परमिशन दी। बाकी जो लोग है वो ऐसे कड़वे वचन बोलते हैं। मुझे एक दो लोगों ने ऐसा बोला कि भाई तुझे टीबी हो गया है। आप सुनते ही अटैक आ जाता है आपको जब ऐसा कोई बोलते हैं कि भाई तुझे टीबी हो गया है। तो मैंने कहा भाई ईश्वर की कृपा से टीबी तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस जिस को टीबी हुआ है उन सबको मैं बताती हूँ कि टीबी कैसे क्योर करना है। इसने इतने मीठे वचन से मैंने उनको रिप्लाई कर दिया, क्योंकि अब कड़वे वचन निकलते नहीं है। ये जो अमृत भोजन खाते हैं तो इससे हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप होने लगता है। जैसे कि गुस्सा नहीं आता है, चलो मुझे कोई भी परेशान करो मुझे गुस्सा नहीं आता है, या फिर एक दो दिन खाना नहीं मिलेगा तो निर्जला हो जाएगा तो भी मजा आ जाती है, या तो फिर किसी ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया तो भी कुछ ऐसा नहीं होता है कि भाई मुझे क्यों रिस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे मान नहीं लेते हैं। या फिर घर में जो होता है कि खाने पे बुलाओ, या फिर इसको ये करना है वो करना है, शादी में जाना है, सबसे पहले मुझे कंकोत्री क्यों नहीं दी। वैसे सब समाज में ऐसा होता है कि हमारा अहंकार होता है, अभिमान होता है, थोड़ा ईगो होता है, थोड़ा स्टेटस होता है कि मैं कुछ हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो ये जो सारी चीज है वो सारी अपने आप चली गई, मुझे भी नहीं पता है कि ये सब क्या कहाँ चली गई। तो ये मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये जो मेरा पेट है, मैं इसको पेट जो है उसको ऐसा बोलती हूँ कि पेट्रोल की टाँकी। तो मैंने पेट्रोल की टाँकी में सही फ्यूल डाला, बस इतना किया, फिर अपने आप सब कुछ होने लगा। तो इतनी मजा आ गई। तो फिर मैं वो भी बोल रही थी कि छोटे छोटे मोटे जो वो शरीर के अंदर पता भी नहीं थे ऐसे सब जो भी बदलाव आया, कि जैसे हेयर जो है वो हेयर फॉल होने बंद हो गए, फिर जो है वो हेयर व्हाइट होने स्टॉप हो गए, फिर जो फैट है एक्स्ट्रा वो चला गया, मेनोपॉज का पीरियड आया, मुझे पता नहीं चला कि मेनोपॉज क्या होता है। सभी लेडीज को ऐसा होता है 7 डेज तक पीरियड में आते हैं। तो कल ही की बात करूं, एक पेशेंट था तो उन्होंने बोला कि हर 2 घंटे पे मुझे पीरियड चेंज करना पड़ता है। तो ईश्वर की कृपा से मुझे तो ये पीरियड आया ही नहीं। तो मैं वैसे भगवान का हमेशा आभार मानती हूँ कि ये सिस्टम से मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक जुड़ी रहूंगी, क्योंकि नुकसान तो है नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है।
और मेरा सन है, मेरा डॉटर है, मेरे हस्बैंड है, वो लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं कि इसकी बात ना पूछो, जूस खुद बना लेते हैं, फ्रूट खुद लेके आते हैं, प्लेटफॉर्म भी साफ कर देते हैं, बर्तन भी साफ कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घर में काम वाली भी नहीं है, हम चारों लोग जो है वो घर का काम अपने आप खुद कर लेते हैं, जो झाड़ू बर्तन कुछ भी झपड़ झुपड़ जो भी करनी होती है वो सारा का सारा हम कर लेते हैं। तो ये जो काम वाली की मैं बात करूं, तो काम वाली जो होती है वो बहुत ही गरीब होती है, तो वो गरीब होती है तो उसको तो खाने का कुछ ठिकाना होता नहीं है, तो वो 15 घर के झाड़ू पोछा करते हैं और हम खुद एक अपने घर के झाड़ू पोछा नहीं कर सकते। और हम क्या करते हैं, सुबह दौड़ने जाएंगे, 10,000 रुपया जिम में लेके जाएंगे, डायटिशियन को 5,000 देंगे, योगा वाले को बुलाएंगे, प्राणायाम में टाइम बिगाड़ेंगे, ये सब करेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि ये जो मेरे सारे पैसे बच गए हैं, मेरा समय बच गया है, तो मेरा घर है वो मेरा मंदिर है, जिसमें मैं रहती हूँ तो वो मंदिर है। जैसे ये हमारा शरीर है वो शरीर एक मंदिर है कि जिसमें आत्मा है तो मैं रहती हूँ, मैं बोलती हूँ। मैं कैसे बोल सकूंगी, अभी मैं जिंदा हूँ तो मैं बोलती हूँ। सभी लोगों को पता होता है कि हमारे पास 2-व्हीलर होता है, 4-व्हीलर होता है, जो भी हमारे पास व्हीकल्स जो भी होते हैं, तो वो जितने भी व्हीकल्स होते हैं तो वो कौन बनाता है, मानव बनाते हैं। इस ये मानव को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया। तो जब ही भगवान ने मुझे बनाया या भगवान ने आपको बनाया जी, तो भगवान ने पहले से सोच रखा था कि ये बंदा जो पृथ्वी पे जन्म लेने वाला है वो कल सुबह उठ के क्या खाएगा। तो इससे हम विराम लेते हैं, अभी ये सिस्टम आप सब ये मुझे याद दिला देना, तो आगे से मैं थोड़ा बोलूंगी अगर धरती बहन की इच्छा हो तो। तो अभी हम जूस लेने जाते हैं। सभी लोगों ने मुझे प्यार से सुना, इसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।